तो दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा स्टोर दुकान एप्लीकेशन में बनेगा। ये मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया है। काफ़ी शानदार स्टोर का लुक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से दुकान का इसका लुक आ रहा है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे बेस्ट सेलर बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट है सारे, और यहाँ पे कैटेगरी का भी ऑप्शन है कि कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। मैंने सारी कैटेगरी में थोड़े थोड़े प्रोडक्ट डाले हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे स्टोर का लुक है। अब इसके अलावा अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट सारे आपको देखने को मिलेंगे। आप ऐसे स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट की साइज़ भी आप सेलेक्ट करके ऑर्डर कस्टमर आपका लगा सकता है। देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और बाय नाउ पर क्लिक करेगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो काफ़ी शानदार स्टोर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्टोर बनाते हैं तो आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीसेलिंग में ऑर्डर मिलेंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और सारा स्टोर डिज़ाइन करने का तरीका बताता हूँ सेम इसी तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनटेक वीआरके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दुकान एप्लीकेशन के बारे में कि क्या है ये दुकान एप्लीकेशन और इस पर किस तरीके से हम रीसेलिंग बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत सारे रीसेलर ने मुझसे कमेंट किया था, मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सवाल पूछे जा रहे थे और यूट्यूब के कमेंट में, ठीक है। जितने भी वीडियो होते हैं उसके कमेंट में कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे ज़रूर रहता है कि भाई दुकान एप्लीकेशन क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हो, आप किस तरीके से करते हो। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप दुकान एप्लीकेशन के बारे में जानते हो, तो मुझे पता है, मैं उनको बताता हूँ, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैं इसको यूज़ भी करता हूँ। तो लोगों ने कहा आप किस तरीके से यूज़ करते हो, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। और ये दुकान एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे रीसेलर होंगे जिनको पता नहीं होगा कि दुकान एप्लीकेशन आखिर है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं, दुकान एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर रीसेलर आकर अपने प्रोडक्ट डालकर इंटरनेट के थ्रू सेल कर सकते हैं, ठीक है। अपने व्हाट्सअप या फिर कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक ऑनलाइन स्टोर बन जाता है। अब कैसे काम करता है सारा तो मोबाइल स्क्रीन पर प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं ऑनलाइन रीसेलिंग करता हूं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। वहाँ पर मेरे वीडियोज़ रहते हैं, तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट वहाँ पर जो वीडियो बनाता हूँ जिस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के फ़ोटो, ठीक है, अगर बाय चांस वो ऐसा कई बार कि क्या होता है कि मुझे इंस्टाग्राम से उठाना पड़े, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इंस्टाग्राम से उस फोटो लेके दुकान एप्लीकेशन पर अपलोड करता हूँ, वहाँ से उसका लिंक क्रिएट करता हूँ स्टोर का और मैं अपने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो मुझे वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। कैसे सारा ये प्रोसेस यूट्यूब वीडियो वाला काम करता है इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो इसका एक मैंने ऊपर वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, जाकर देख लेना, ठीक है। अब दोस्तों जब मैं वहाँ पर डालता हूँ तो वहाँ से सीधा मुझे ऑर्डर मिल जाता है और दुकान एप्लीकेशन में मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके पास एक ऑर्डर आया है, ठीक है। जहाँ से भी आता है वहाँ का मुझे लोकेशन वहाँ पे मोबाइल बोल के बता देता है सारी चीज़ें कि आपके पास वहाँ से एक ऑर्डर आया, ठीक है, या फिर मेरा पीसी मुझे ऑटोमेटिकली बता देता है, जैसे कि जोधपुर से आता है तो जोधपुर से ऑर्डर आया, या फिर अगर जयपुर से ऑर्डर आया, इस तरीके से सारी चीज़ें बता देता है। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है दुकान एप्लीकेशन में, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, कैसे अकाउंट बनाना है, किस तरीके से प्रोडक्ट डालना और कैसे लिंक निकाल के अपने वीडियो या फिर अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों तक रीसेलिंग इस बिज़नेस को फैला सकते हो, ठीक है। दुकान एप्लीकेशन एक काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड का। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर सारी चीज़ें वहीं बताते हैं कि दुकान एप्लीकेशन आखिर ऐसा है क्या, ठीक है, जिसके बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी सारे रीसेलर इसके बारे में पहले से जानते हैं। तो दोस्तों दुकान एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर दुकान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम आ गए दुकान एप्लीकेशन में। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना होगा, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें पहले से कर दी है तो आपका टाइम ख़राब ना हो, इसलिए आप बड़ा आसानी से, मैं बता दूँ, रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आप इसमें उलझ जाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, आप बड़े आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपकी प्रोफाइल सेटिंग करनी होगी, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल है उसको पूरा एडिट करना होगा, कस्टमाइज़ करना होगा। तो आपको सबसे पहले नीचे बहुत सारे मेन्यू बार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, मैनेज और अकाउंट, ठीक है। अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका लॉगो और जो देख लीजिए यहाँ पर मैंने नाम रखा है इंडिया मॉल, इसके नीचे एडिट बिजनेस डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा लिंक सेंड करना है सबसे पहले तो, ठीक है। लोगो लगाना है, यहाँ से गैलरी में जाकर आप अच्छा सा लोगो बना दीजिए, लगाइए। उसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, अपना स्टोर का लिंक है वो बना दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने इंडिया मॉल 91, ठीक है,
तो ये मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बिज़नेस का नाम इंडिया मॉल रखा है, उसके बाद ये सारा चीज़ें यहाँ पे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आप मैंने डाल दिया है एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, और उसके बाद यहाँ से आपको सेव करना है। तो मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब उसके बाद दोस्तों आपको होम पे आना है और प्रोडक्ट ऐड करने, ठीक है। प्रोडक्ट वैसे पहले ही ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीन प्रोडक्ट, तो पहले आप तीन प्रोडक्ट ऐड कीजिए या फिर एक प्रोडक्ट ऐड करके स्किप कर दीजिए। अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाता हूँ, किस तरीके से करना है वो मैं बताऊँगा। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़े बहुत प्रोडक्ट ऐड करके रखे हैं, ठीक है, और इन पर ऑर्डर लाना है, ठीक है। कैसे लाने हैं वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट नीचे ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करना है। प्रोडक्ट का नाम डालना है, जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है कुछ भी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 8 फ़ोटो आप डाल सकते हैं, ठीक है, 8 फ़ोटो आप डाल सकते हैं। तो 8 फ़ोटो, अच्छी से अच्छी फ़ोटो आप कहीं से भी लीजिए, ठीक है। मैं लेता हूँ फ्लिपकार्ट से फ़ोटो डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर डालता हूँ। तो आप कोई भी 8 फ़ोटो अच्छे से लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। मेरे पहले से यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मैंने बना के रखी है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप कैटेगरी का नाम डाल के सेव कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको MRP डालनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की जो आप बेच रहे हो वो प्राइस नहीं डालनी है, आपको MRP डालनी है। जैसे अगर प्रोडक्ट आप 500-700 रुपये में बेच रहे हो, तो उसकी MRP आप 1000-2000 रुपये जो भी है वो डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की MRP 1000 रुपये डालता हूँ। और उसके बाद सेलिंग प्राइस, अब आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि आप कितने में बेच रहे हो, आपका मार्जिन भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 599 डाल देता हूँ, ठीक है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया 599, 40% का यहाँ पे देख लो डिस्काउंट बता रहे हैं। यहाँ पे आपको यही रहने देना है सारा, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस करना नहीं। और उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का पूरा जो भी आपके पास होता है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक थोड़ा नीचे और ऑप्शन है ऐड करने का, तो यहाँ पर आप देखो जैसे कोई क्लोथ वगैरह डाल दे तो उसकी साइज़ होती है, तो आप यहाँ पे वो साइज़ भी डाल सकते हैं। जैसे उसका नाम होता है X, ठीक है, और कुछ इस तरीके से XL, ठीक है, आप यहाँ पे डाल के उसकी प्राइस भी सेम रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड अनोदर करके फिर दूसरी साइज़ डाल सकते हो, जैसे XL, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट की साइज़ वगैरह डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो कलर, अगर प्रोडक्ट के कलर है तो यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे, आप उसको उनको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कस्टम कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये हो गया कलर का, ठीक है, मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। अब जैसे ये होगा ऐड प्रोडक्ट कीजिए, आपका प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, देख लीजिए आप। मैंने यहाँ पे ऊपर सारे फ़ोटो वगैरह डाले हैं और फ़ोटो भी पूरे मैं बता दूँ 4K में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी हाई है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो डालें और यहाँ पे देखिए MRP मैंने 299, सेलिंग प्राइस 1299 रुपये रखी है, और इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने की है। अब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी साइज़ वगैरह मैंने डाल रखी है, देख लीजिए आप पूरा अच्छे से। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगी। तो यहाँ पे देखिए कलर वगैरह है, तो वो कस्टमर जब भी ऑर्डर लगेगा तो आराम से उसको यहाँ से सेलेक्ट करने के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी मैंने की है। अब दोस्तों थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, लोगों को पता नहीं है। थोड़ा कैटेगरी में देखो मेरे ऊपर सारे यहाँ पे पिक्चर भी आ रहे हैं, तो ये कैटेगरी कैसे ऐड की मैंने, तो यहाँ पे देखो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो डालना है। गैलरी से आप ले सकते हो, ठीक है, कहीं से भी फ़ोटो उठा सकते हो, जो भी कैटेगरी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और नाम डाल के क्रिएट कर देना है, ये कैटेगरी आपकी बन जाएगी। तो हो सके तो कैटेगरी आप पहले बना लीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखो मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैनेज के ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्केटिंग डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आपको लोगो वगैरह, आपका बिजनेस कार्ड, कुछ और भी देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें, ये आप शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपके स्टोर के नाम की आ रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो व्हाट्सअप स्टोरी है, तो आप व्हाट्सअप इंस्टाग्राम कहीं पर भी ये डाउनलोड करके लगा सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल रही है। तो अब भी अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पाते तो फिर शायद आप रीसेलिंग में ज़्यादा ऑर्डर नहीं ला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको इतना सारा फैसिलिटी मिल रहा है फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो रीसेलिंग बिजनेस में आप ज़्यादा ऑर्डर नहीं ला पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का भी यहाँ पे सारा चीज़ें हैं, आप UPI वगैरह सारा चीज़ें
कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि ऑर्डर कस्टमर लगाता है उसको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर हम होलसेलर के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन वो देते हैं, ठीक है। वो सीओडी नहीं देते कैश ऑन डिलीवरी, तो हम वहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप है तो कैश ऑन डिलीवरी पे रखिए, ऑनलाइन पेमेंट तो ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप दोनों रखना चाहते कि कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट दोनों है, क्योंकि हम रीसेलिंग करते हैं तो रीसेलिंग में दोनों चलता है, तो दोनों पे आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी कस्टमर ऑर्डर लगेगा तो वहाँ पे दोनों उनको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कूपन आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके कस्टमर कौन कौन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 रुपये डिलीवरी चार्ज मैंने रखा है, 500 से नीचे के जितने भी ऑर्डर होंगे उस पर, उसके ऊपर जाएंगे 500 से तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लेगा, ठीक है। और अगर आप GST इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है, रीसेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो रीसेलिंग में GST इंक्लूड ऑटोमेटिकली ऑर्डर में हो जाएगी, ठीक है, हमें नहीं करना है। उसके बाद ऑर्डर फॉर्म, इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं किया है। नाम आप कस्टमर का ले सकते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उनको फुल एड्रेस डालने के लिए बोलिए कस्टमर जो भी, या फिर वो ऑटोमेटिकली फुल एड्रेस ही डालेंगे, ठीक है। सिटी और पिन कोड, अगर आप इसके अलावा कुछ अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसका नाम लिखिए यहाँ पर, और उसके बाद रिक्वायर्ड इस पर क्लिक करके ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। जो भी आप कस्टमर से और कुछ डिटेल लेना चाहते हैं तो वो, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ बसा नहीं है, अब हम वापस होम पे चलते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर आपका लिंक दिखा रहा है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके दोस्त आपका देख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो में बने रहिए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या है दुकान एप्लीकेशन और किस तरीके से काम करती है, ठीक है। मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको डिटेल में। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, लाइफ टाइम का, आप चाहो तो वीकली या फिर आज का देख सकते हो, या फिर इस महीने का देख सकते हो, जो भी है, या फिर कस्टम सेट करके भी आप देख सकते हो कि आपको किस दिन कितने ऑर्डर मिले हैं और किस महीने में कितने ऑर्डर मिले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे भी देख सकते हो। आपकी टोटल सेल कितनी हुई, कितने लोगों ने आपके स्टोर को विजिट किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे पेंडिंग, एक्सेप्ट और शिप्ड जो भी आपके ऑर्डर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब पेंडिंग में जो भी ऑर्डर रहेंगे, जो ऑर्डर कस्टमर देंगे वो पेंडिंग में रहेंगे, आपको उस ऑर्डर पे क्लिक करके एक्सेप्ट करना होगा, तो आपके कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप पर नोटिफिकेशन जाएगा और उनके मैसेज में भी जाएगा कि आपने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप शिफ्ट करते हो, ठीक है, जैसे ही आप मीशो में ऑर्डर लगाते हो तो आप यहाँ पर शिफ्ट का ऑप्शन दबा दीजिए, ठीक है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जैसे ही ऑर्डर कस्टमर का डिलीवर होता है, आप डिलीवर कर दीजिए तो कस्टमर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, और कस्टमर के पास एक छोटा सा बिल बनकर भी चला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे लगाते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बाद में बनाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इसमें ऑर्डर लगता है और कैसे कैसे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद ऑनलाइन ट्राई कर दीजिए अपने मोबाइल में ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑर्डर लगाइए, एक्सेप्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए और उसके बाद डिलीवर का ऑप्शन क्लिक कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, आप उनको ध्यान से देखिए कि किस तरीके से ये कंपनियाँ काम करती है। अब चलिए ऑर्डर सेक्शन भी आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो भी ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, शिफ्ट और यहाँ पे कैंसिल जो हुआ है, और उसके बाद डिलीवरी और यहाँ पे फेल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑटोमेटिकली करके सारी चीज़ें देखी है, काफ़ी शानदार लगा। अब आप इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं कि मेरा लाइफ टाइम में कितने ऑर्डर मुझे मिले, कितने एक्सेप्ट, रिजेक्ट, सारी चीज़ें अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है, और उनको एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कौन से मंथ में कितने ऑर्डर आ रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट आपके स्टोर पे ज़्यादा बिक रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वही प्रोडक्ट डाल के ज़्यादा से ज़्यादा सेल ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में बता दिया मैंने, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब अकाउंट के बारे में यहाँ पे कुछ अब ज़्यादा है नहीं, ठीक है, मैंने ऊपर आपको सेटिंग के बारे में बता दिया। इसके अलावा शानदार ऑप्शन, बहुत सारे रीसेलर होते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी खुद की एप्लीकेशन प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने खुद की एप्लीकेशन प्रमोट करने का ऑप्शन दे दिया है। मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वापस बनूँगा और आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर डाउनलोड योर स्टोर APK अगर करोगे तो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, आपके स्टोर के नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। इसके ऊपर मैं सेप्टर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो लास्ट वीडियो आएगा, ठीक है, इसके बाद ही वीडियो आने वाला है, देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि मेरी वो वीडियो भी आपको देखने को मिले कि किस तरीके की एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट होती है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो दुकान प्रीमियम, ये हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके खुद का डोमेन वगैरह सारी चीज़ें, थीम, प्लगइन, सब कुछ अगर खुद का अटैच करना चाहते हैं तो वो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद PC दुकान,
अब इस एप्लीकेशन को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे अपने पीसी में ही सारी चीज़ों को मैनेज करता हूँ, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पे देखो हाउ टू यूज़ दुकान ऐप, इसके बारे में पूरे वीडियो बने हुए हैं, आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई है, आप इनको देख के अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे, एडिशनल में आप दुकान एप्लीकेशन को प्रमोट कर सकते हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो बस आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से शेयर करना है अपना दुकान, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ अपनी दुकान एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो दुकान एप्लीकेशन, इसको मैं लिंक पर क्लिक करूँगा, विजिट करेंगे हम, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको विजिट। अब देखो मैं जैसे ही इसको विजिट कर रहा हूँ तो ये दुकान एप्लीकेशन ओपन होगी, ठीक है। मेरी स्टोर कैसे दिखेगी, तो यहाँ पे देखो इंडिया मॉल, उसके बाद यहाँ पे सारी कैटेगरी, सबसे पहले तो यहाँ पे बेस्ट सेलर, उसके बाद ये जो कैटेगरी बता रहे ये कैटेगरी, उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके का आप स्टोर बना सकते हैं अपना खुद का, ठीक है। कैसे बनेगा सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने बताया भी है, और आप देखिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से, तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, और उसके बाद यहाँ से साइज़ भी है, ठीक है। साइज़ भी कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है, कलर भी सेलेक्ट कर सकता है, देखिए। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हैं, तो बहुत शानदार एप्लीकेशन है। आप ऑर्डर लगाइए इस तरीके से, काफ़ी शानदार आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो रहने वाला है, ठीक है। तो दुकान एप्लीकेशन पे आइए, प्रोडक्ट डालिए, खुद के प्रोडक्ट अगर कोई स्टोर है तो उसके भी यहाँ पे अपलोड करके उनको भी सेल कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाती है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करके आप ये भी ऑप्शन का, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से दुकान एप्लीकेशन को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ला सकते हैं। हमने जो लिंक जनरेट किया अपने बिजनेस का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक सेल कर भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आप कहीं से भी भेज सकते हो, ठीक है। आपके पास इंस्टाग्राम में मैसेज, कहीं से भी भेज सकते हो। अकाउंट बना के वहाँ पर अपना बिजनेस अगर आपने बना रखा है तो कहीं से भी आप भेज सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आएंगे कस्टमर, ठीक है। कस्टमर देंगे ऑर्डर, और ऑर्डर जैसे ही वहाँ पे आता है, आप वहाँ से उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा, वो एड्रेस लेके आप मीशो में 5501 या गल रोड में ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। और कमीशन जितना आपने रखा वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से दुकान एप्लीकेशन को आप यूज़ कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद आप प्रोडक्ट ऐड करके देखिए, और खुद एक बार किसी दूसरे के मोबाइल में लिंक भेज के ऑर्डर लगा कर भी देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से सारा प्रोसेस काम करता है, नोटिफिकेशन कैसे आता है, किस तरीके से हमें उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, डिलीवर वगैरह सारा प्रोसेस मैंने वैसे बताया है। वीडियो काफ़ी लंबी है, फिर भी मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। तो बस आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग दुकान एप्लीकेशन के बारे में बार बार मुझे पूछ रहे थे, वो अब कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो मैं इसके ऊपर एक पूरा और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।